الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم منبر الرسول پر جلوگر علماء ذوی الاحترام سادات کرام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم ایک ایمان افروز خطاب مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا میں بھی ایک سلگتے ہوئے موضوع پر فکر کی درستگی کے لیے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں ہو سکتا ہے کہ میری بات دل کے نہا خانے میں اتر جائے اور ہم خود اپنی زندگی کے بارے میں اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے کے سلسلے میں تھوڑا سا ذہن استعمال کرنے کی کوشش کر سکیں اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان مصائب میں گھرا ہوا ہے کوئی زمین ایسی نہیں نظر آتی جو جائے پناہ کی حیثیت سے ہو جہاں دیکھو مسلمان خوف و ہراس کے اندر زندگی کے لمحات گزار رہا ہے اطمینان و سکون مسلمان کی زندگی کے اندر ندارت دنیا کے ہر خطے میں مسلمان اپنے آپ کو کمزور ناتواں اور بے بس محسوس کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ حالات کیسے بنے تو ایک ہی چیز اس کے ذہن میں آتی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں میرا جملہ خاص طور پر پڑھے لکھے حضرات اور آپ بھی ذہن کے اندر محفوظ رکھنے کی کوشش کریں پہلے معصیت نہیں پہلے مصیبت نہیں پہلے معصیت ہے مصیبت کے معاملے کے اندر قرآن کے اس فیصلے کو پیش نظر رکھیں جب معصیت ہوتی ہے تو مصیبت دروازے پہ دستک دیتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس کے بارے میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم
जो मुसीबतें तुम्हें पहुंच रही हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। हमने कभी अपने बारे में गौर नहीं किया कि हम कैसे हैं। लोग कहते हैं हमें अच्छा बनना है, मैं एक नुस्खा अता कर देता हूं, अगर अच्छा बनना है तो अपनी खामियां तलाश करो और लोगों की खूबियां तलाश करो। लेकिन हमारा हाल यह है कि हम लोगों में खामियां तलाश करते हैं और खुद में खूबियां तलाश करते हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब तक हमारी जिंदगी सीधे रास्ते पर थी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल की रहमतों का नुजूल होता था, बरकतों का नुजूल होता था, और उसने कुरान मुकद्दस में खुद वादा फरमाया, वलौ अन्नहुम अकामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िल इलैहिम मिन रब्बिहिम लाअकलु मिन फौकिहिम वमिन तहत अर्जुलिहिम। कुरान का वादा है कि अगर तौरात पर, इंजील पर और जो कुछ नाजिल किया गया उस पर कायम रहते तो हम आसमान से तुम्हारे लिए खाना उतारते और पैर के नीचे से तुम्हें हम बहुत कुछ नेमतें अता फरमाते। हमारी जिंदगी कुरान से हट गई, हमारी जिंदगी तालीमात नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो गई, हमारी जिंदगी का कोई लम्हा दाम और कोई लम्हा गुनाहों के दाग से खाली नजर नहीं आता। और आज की पोजीशन तो ये है, कोई रात मुसलमानों के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होने के लिए नहीं आती, बल्कि हर रात मुसलमानों के दामन पर गुनाहों के धब्बों में इजाफे के लिए आती है। न जाने हर रात मुसलमान अपने दामन पर कितने गुनाहों के धब्बों में इजाफा करता है, उसके बारे में कभी गौर करने का ख्याल नहीं, कभी गौर नहीं करता, कभी सोचता नहीं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जबानी जमा खर्च को अब खत्म करना पड़ेगा। दावा तो हम करते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपना मोहब्बत करते हैं, नारे भी लगाते हैं, लेकिन कभी अपनी रातों के बारे में गौर कीजिए और कभी मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातों के बारे में गौर कीजिए। हमारी रातें गुनाहों के धब्बों में इजाफे के अंदर गुजरती हैं और मदीने के ताजदार की रातें हम सियाकारों के लिए बख्शिश की दुआओं में गुजरती नजर आती हैं। वो रात भर रोते हैं हमारी बख्शिश की खातिर, हमारी नजात की खातिर, हमारी मगफिरत की खातिर, हमें जहन्नत का जन्नत का मुसाफिर बनाने की खातिर, और रोते इतना इतना रोते इतना रोते कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत को कहना पड़ा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मां रोए तो तुम अपनी आदतें छोड़ दो, बाप रोए तो बाप के रोने पर तुमको तरस आ जाता है और तुम सुबह सुबह उठकर काम पर चले जाते हो, बाप अगर तुम्हें मन्नतों समाजत करे स्कूल चले जाते हो, और अगर बीवी रोए तो उसको मनाने की खातिर न जाने उसके सामने क्या क्या चीजें पेश करने के लिए तैयार हो जाते हो। इतने जालिम हम हो चुके हैं कि हमें हुजूर के रोने का कोई ख्याल नहीं, आकाए करीम के आंसू का कोई ख्याल नहीं। जो रसूल हमारे ऊपर इतने मेहरबान हैं कि कदम कदम पर लम्हा लम्हा अपनी उम्मत की फिक्र में गुजारते हैं, और ये उम्मत है जो मुस्तफा प्यारे की तालीमात को पसे पुष्ट डाले हुए हैं। मुसीबतें यूं ही नहीं आती, हम ही तो थे कि हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद निकलने पर बाहर मस्जिद के दरवाजे पर गैर मुस्लिम पानी का ग्लास लेकर के खड़े होते, ये मुसलमान नमाजी पानी पर दम कर देगा, मैं अपने मरीज को पिलाऊंगा तो शिफा मिल जाएगी। आज हमारी मस्जिदों के साथ ये सुलूक क्यों हो रहा है, ये हमारे करतूत का नतीजा है, ये हमारी गलतियों का नतीजा है। आज हम कुरान के बारे में नहीं जानते, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं जानते, हम इल्जाम तराशी करते हैं, फलां ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा। कुरान ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, अगर तुम अपने हालात बदलना चाहते हो तो खुद को बदल दो, हम तुम्हारे हालात को बदल देंगे। आइए मैं दो वाकयात आपकी समातों के हवाले करूं, जब आदमी बदल जाता है तो अल्लाह हालात कैसे बदलता है। इसमें कोई शक नहीं कि गुनाहों के सैलाब के अंदर दामन को गुनाहों से बचाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये भी अपनी जगह मुसल्लम है
कि अगर कोई बचना चाहे तो मौला मदद भी फरमाता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम की नजर भी होती है। लेकिन आज मैं आपको एक दर्स देना चाहता हूं। रात के सन्नाटे में अगर गुनाह के धब्बों में इजाफा हो चुका हो, दिन के उजाले में गुनाह कर चुके हो और सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक गुनाहों में जकड़े हुए हो और चाहते हो कि इस गुनाह के दलदल से, गुनाह की सियाही से पाक हो जाएं, क्या अब भी मेरा मौला करम फरमाएगा? क्या इतने गुनाह करने के बाद भी माफ फरमाएगा? हाँ, वो कादिर मुतलक है, वो रहमान और रहीम है, वो अपने बंदों पर करम फरमाता है। आइए मैं एक वाकया आपकी समातों के हवाले करूं। अल्लाह अकबर। हजरत हबीब आजमी रदी अल्लाह ताला तारीख उठाकर देखो, उनकी जिंदगी का जायजा लो। तौबा से पहले सूद का कारोबार करते थे, सूद के सिलसिले में बड़े मशहूर थे। अल्लाह अकबर। अगर किसी को सूद पर पैसा देते, ब्याज पर पैसा देते, तो उसके घर पे जब दस्तक देते तो बगैर कुछ लिए वापस नहीं आते थे। एक दिन एक शख्स के घर आप तशरीफ ले गए जिसको आपने सूद पर पैसा दिया था, दरवाजे पे दस्तक दी और उसके बाद साहिब खाना के बारे में पूछा गया तो कहा घर पर नहीं है। उनकी बीवी ने कहा मेरे शौहर नहीं है। हजरत हबीब आजमी जो तौबा करने से पहले सूदखोर थे, उन्होंने बर्जस्ता कहा कि तुम जानती हो कि मैं जब किसी के यहां पैसे लेने जाता हूं तो खाली हाथ नहीं लौटता, मैं आया हूं कुछ ना कुछ मुझे दो। उसके घर पे गोश्त मौजूद था, उसने कहा बस यही बच्चों के लिए रखी हूं, ले जा सकते हो। लेकर निकले, अपने घर पहुंचे, बीवी को पेश किया, कहा इसे पकाओ। बीवी ने जब पकाया तो वो खून बन गया, वो गोश्त खून बन गया। बीवी ने बर्जस्ता कहा हबीब मैंने तुमसे कहा है कि सूदी कारोबार छोड़ दो, जरा देखो ये गोश्त के खून में तब्दील हो चुका। अल्लाह अकबर। बीवी के दिल से इस तरीके से दर्द के साथ ये बात निकली थी कि हबीब आजमी का दिल बदल गया और उसी वक्त उन्होंने नियत की कि मैं आज से सूद के कारोबार से तौबा कर लूंगा। लेकिन आप जरा सोचो, नियत कर ली, तौबा की नियत कर ली, सूदी कारोबार छोड़ने की नियत कर ली, लेकिन उस जमाने के अंदर हजरत हसन बसरी रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु खिताब फरमाते थे, उनकी महफिलों के अंदर जाने वालों का बड़ा हुजूम रहता था। अल्लाह अकबर। हबीब आजमी ने नियत की कि मैं जाकर के हजरत हसन बसरी के हाथों पे तौबा करूंगा। घर से निकलते हैं, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, देखा हबीब आजमी को किनारे पर हो गए और एक दूसरे बच्चे कह रहे थे किनारे हो जाओ, इस सूदखोर के पैर की मिट्टी भी हम पर पड़ी तो हम तबाह हो जाएंगे। हबीब आजमी गए, हजरत हसन बसरी तौबा पर खिताब फरमा रहे थे और खिताब फरमाते हुए हजरत हसन बसरी अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया अगर सच्चे दिल से हबीब आजमी भी तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। हजरत हसन बसरी हबीब आजमी को खास तौर पर मुखातब नहीं फरमा रहे थे, लेकिन चूंकि वो सूदखोर की हैसियत से इतने मशहूर थे कि उनसे बड़ा मशहूर कोई सूद के सिलसिले में नहीं था। लेकिन हजरत हसन बसरी ने जब ये कहा तो हबीब आजमी ने कहा क्या कहा हुजूर आपने? कहा हबीब आजमी भी तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेगा। फिर उसने कहा कि क्या कहा आपने? कहा हबीब आजमी भी तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा। अल्लाह अकबर। हबीब आजमी आगे बढ़े, हजरत हसन बसरी के हाथों में हाथ दिया, अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा की और जितनों का पैसा लिया था उसे लौटाने का अहद किया। अब यही हसन बसरी रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु जिनकी बारगाह से हबीब आजमी तौबा करके निकले हैं, आप जानते हैं जब पलट कर अपने घर की तरफ जा रहे थे तो सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी थी। जिस रास्ते से आ रहे थे वहां बच्चे वही खेलते हुए नजर आए, लेकिन अब बच्चों के जुमले पहले जैसे नहीं थे। बच्चों ने कहा अल्लाह का वली हबीब आजमी आ रहा है, अगर उसकी नजर किसी पर पड़ गई तो उसकी बिगड़ी संवर जाया करेगी। मैं पूछना चाहता हूं अगर सच्चे दिल से बंदा गुनाहों से तौबा कर ले अल्लाह उस तौबा की बरकत से, कभी कभी तो ऐसा होता है इबादत से जो मकाम नहीं मिलता वो सच्ची तौबा की बुनियाद पर अल्लाह मकाम अता कर देता है। हजरत हबीब आजमी विलायत के महताब बनकर के चमके,
और बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज हुए। दामन पर गुनाहों के धब्बे लग चुके हैं, साफ करो इसे। जिस तरह से गंदे बर्तन के अंदर बिरयानी नहीं खाई जाती, ऐसे गंदा दिल होना तो इबादतों का असर नहीं होता। बदलो, मांझो अपने दिल को, साफ करो अपने दिल को, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से। अगर सच्चे दिल से तौबा नहीं करोगे तो मुसीबतें दरवाजों पर दस्तक देंगी, और अगर सच्चे दिल से तौबा कर लोगे तो अल्लाह कादिर मुतलक है, रहमान और रहीम है, और उस करीम के करम पर कुर्बान जाइए कि जब कोई बंदा तौबा करता है तो मेरा मौला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले और पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। आप जरा सोचो, बड़े बड़े जराइम एक जमाने में करने वाले लोगों को अल्लाह ने जब तौबा की तौफीक अता फरमाई तो फिर वो कितने ऊंचे मकाम पर पहुंचे। आइए हजरत फुज़ैल बिन अय्याज अलैहि रहमतु व रिज़वान की हयात तय्यबा को देखिए। अल्लाह अकबर, डाका जनी का पेशा था, हर निकलने वाले काफले को लूटने का पेशा था। उस जमाने में एक ताजिर उस जगह से काफला लेकर सामान्य तिजारत के साथ गुजर रहा था, गुजरने वाला था, जहां पर घात लगाए हुए फुज़ैल बिन अय्याज बैठा करते थे। जब काफला वहां से गुजरने वाला था तो उन्होंने अपने साथ, काफले वाले ने अपने साथ एक कारी कुरान को रखा था जो रास्ते भर कुरान की तिलावत करता था। जब फुज़ैल बिन अय्याज का अड्डा आ गया और काफला वहां से गुजरने वाला था, कारी कुरान ने तिलावत की, अलम यानि लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वाले के लिए वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह से डरे और अपने कल्ब को अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर मुजल्ला फरमा दे। बस ये आयत करीमा पढ़नी थी कि फुज़ैल बिन अय्याज के दिल पर इस आयत ने असर किया, चीख उठे और कहा, हाँ हाँ, ईमान वाले के लिए वक्त आ गया कि वो अल्लाह से डरे और तौबा करे और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जिक्र से अपने कल्ब को मुनव्वर मुजल्ला करे। उसी वक्त तौबा की और तौबा करने के बाद फुज़ैल बिन अय्याज, अल्लाह अकबर, जितनों का माल लूटा था सबका माल अता कर दिया और उसके बाद सीधे मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ बढ़े और वहां पहुंचने के बाद दरसे हदीस की महफिल के अंदर बैठे और बैठते बैठते अल्लाह ने फिर वो मकाम अता फरमाया कि हजरत फुज़ैल बिन अय्याज रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर खुद दरसे हदीस देने लग गए, और जब उनके सामने कोई लफ्ज़ अल्लाह कहता तो काँप जाया करते थे। जब हजरत फुज़ैल बिन अय्याज अलैहि रहमा का विसाल हुआ तो दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई, फुज़ैल इस दुनिया से नहीं गए, अल्लाह का खौफ इस दुनिया से चला गया। विलायत का मकाम हजरत फुज़ैल बिन अय्याज को कैसे मिला? तौबा की बुनियाद पर। मायूसी के दलदल से निकलो, अगर आज तक गुनाहों के दलदल के अंदर डूबे रहे तो आज अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो। सुन लो, मुसीबतें यूं ही नहीं आती, गुनाहों की वजह से आती है। मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाऊं, शायद आपकी समझ में बात आ जाए। एक इंसान पर जब जुल्म और मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं तो वो इंसान कहता है, पता नहीं कौन सा गुनाह मुझसे हो गया था जिसकी सजा मिल रही है। उस वक्त वो गुनाह को याद करता है। इसलिए याद रखो, आज अपने गुनाहों को याद करो। और जानते हो ये कौन सा महीना है? ये शाबानुल मुअज़्ज़म है, और इस महीने के बारे में हुजूर फरमाते हैं, शाबानुल मुतहिर, शाबान पाक करने वाला महीना है। इस माह मुबारक में सच्चे दिल से अगर तौबा कोई कर ले तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है, गुनाहों से पाक कर दिया करता है। मुझे हैरत होती है, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुसलमान तौबा करने के लिए भी तैयार नहीं। मुसीबतें देखकर, परेशानियां देखकर, तकालीफ देखकर, जवाल की हालत देखकर आज भी तौबा करने के लिए तैयार नहीं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके मौला को मनाने की कोशिश की जाए। नहीं नहीं, उसे तो कल भी माज़ अल्लाह गुनाह करना है। बड़ी माज़रत के साथ मैं अर्ज करूंगा,
मैं कभी कभी कुछ तलख बातें भी कर देता हूं। हम जब आए मकान पर पहुंचे तो हमने देखा जब इस्तिंजे के लिए हम उतरे, वुजू के लिए जब खड़े हुए तो लोग लाइन से यूं खड़े थे। मैंने वुजू करने के बाद, मैंने फारिग होने के बाद मैंने लोगों से पूछा, बताइए आप में से कितने लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी है? सन्नाटा था, कोई हाथ उठाने को तैयार नहीं। और चिल्लम चिल्ली शोरो गुल हमारे लिए खड़े होकर एहतमाम ये सब करते हैं। कयामत में पूछा ही नहीं जाएगा कि तुम किसके लिए खड़े रहे और कितनी देर खड़े रहे, ये पूछा जाएगा रब की बारगाह में खड़े हुए कि नहीं हुए, नमाज पढ़े कि तुम नहीं पढ़े। और ये बात अच्छी तरीके से याद रखो, जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज कजा कर दे उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। ये कौम यूं ही तबाह नहीं हो रही, इसलिए तबाह हो रही है कि अल्लाह ने अपना दस्ते अमान उस पर से उठा लिया है। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं जो जानबूझ करके एक वक्त की नमाज कजा करे अल्लाह उस पर से अपना दस्ते अमान उठा लेता है, कोई पना नहीं देगा। हम अगर तारीख उठा करके देखें, रसूल आजम की सीरत उठा कर देखें, सहाबा की सीरत उठा करके देखें और हमें जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हुक्म मिला उसे देखें, लाओ मुझे कोई ऐसी मुसीबत जिसके लिए हुजूर ने नमाज का हुक्म न दिया हो। बारिश नहीं हो रही, नमाज इस्तिस्का, कोई मर गया नमाज जनाजा, गुनाह हो गए सलातुत तौबा, कोई हाजत है सलातुल हाजत। अरे खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी इस्तराब की कैफियत के शिकार होते तो हजरत बिलाल से फरमाते, अरहना या बिलाल, ऐ बिलाल मुझे राहत पहुंचाओ। बिलाल अजान कहते हुजूर नमाज पढ़ लेते, हुजूर को राहत मिल जाती थी। तुम नमाज छोड़कर सब इधर उधर भटक रहे हो, वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास नमाज का। और फिर वो लोग जो दौलत के अंदर डूबे हुए हैं, मालो सर के अंदर डूबे हुए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो खूब खैरात और सदकात वगैरह करते हैं और माल लुटाते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते और समझते हम तो बड़े खुश नसीब हैं, इतना माल कोठी बंगला गाड़ी सब हमारे पास है और इतना पैसा हम अल्लाह के नाम पे लुटाते हैं। खुश नसीब न समझो, अगर नमाज छोड़कर ये सारी चीजें हैं तो खुश नसीब न समझो। एक तारीखी जुमला आपकी समातों के हवाले करता हूं, अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है ना तो रोटी नहीं छीनता, सजदे की तौफीक छीन लेता है, सजदे की तौफीक छीन लेता है। माल का मिल जाना ये खुशबख्ती की अलामत नहीं है, सजदे की तौफीक का मिल जाना ये खुशबख्ती की अलामत है। आज हमारी कौम का हाल यह है, 2 साल का बच्चा फटाफट मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, मां खुश हो रही है, बाप खुश हो रहा है, रोजाना रात को न जाने क्या क्या आज यूट्यूब पर देखा जा रहा है। मैं बड़ी माजरत के साथ, हमारे जितने भाई चैनल चला रहे हैं बहुत माजरत के साथ, मेरे भाइयों आप इससे पैसा कमाते होंगे, ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन यहां के प्रोग्राम को जो नशर करते हो ना तो इस प्रोग्राम पर अमल की भी कोशिश करो, खाली पैसे कमाने की फिक्र मत करो। ये मत सोचो कि हम यूट्यूब पर इतने व्यूज हमारे मिल जाएंगे तो हमको इतना पैसा मिल जाएगा। क्या करोगे पैसा? कब्र में पैसा नहीं आएगा, नहीं आएगा पैसा कब्र के अंदर। अहद करो, नमाज की पाबंदी करो, आज तक गुनाह हो गए सच्चे दिल से तौबा करो। ये सारी मुसीबतें हमारे हाथों की कमाई है और बहुत सारे गुनाह तो अल्लाह यूं ही माफ फरमा देता है, ये उसका करम है, ये उसका फजल है, ये उसका एहसान है। इसको मैं कुरान की दूसरी आयत से आपको समझाऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत नूह अलैहि सलातु व तस्लीम की कौम गुनाहों में गिरफ्तार रही, हजरत नूह अलैहि सलाम की दावत को उसने कबूल न किया, 40 साल तक औरतें बांझ रही, किसी औरत के शिकम से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ,
बारिश बंद हो गई, मवेशी मर गए, ये सारी मुसीबतें क्यों? हजरत नूह अलैहि सलाम जो पैगाम देते थे उस पैगाम पर उन्होंने अमल नहीं किया। लेकिन नबी तो बहुत नरम दिल होते हैं ना, वो अपनी उम्मत का भला चाहते हैं। इस कौम को निकालने के लिए उन्होंने कौन सा मंसूबा अता किया? तो कुरान कहता है फकुल तस्तगफिरु रब्बकुम। हजरत नूह अलैहि सलातु व तस्लीम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह से माफी मांगो, और अगर तुम माफी मांगोगे तो होगा क्या? युरसिली समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन। अल्लाह फरमाता, हजरत नूह अलैहि सलाम कहते हैं अगर तुम तौबा कर लोगे, माफी मांग लोगे, तो अल्लाह आसमान से तुम्हारे लिए बारिश बरसाएगा और माल के जरिए और बेटों के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। लेकिन ये मदद आएगी कब? जब तुम माफी मांगोगे, जब तुम माफी मांगोगे। इसको मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती तौर पर समझाऊं, गुनाह करने से दिल पर बोझ होता है और रोकर आंसू बहाने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। गुनाह किए, दिल पर बोझ हो गया, अल्लाह की नाफरमानी की, दिल पर बोझ हो गया। लेकिन बड़ी रात को अल्लाह की बारगाह में रो रो कर आपने तौबा कर ली, ये दिल का बोझ हल्का हो गया। मेरा करीम कितना अजमत वाला है कि उसकी बारगाह में तौबा करो तो दिल का बोझ भी वो हल्का कर दिया करता है। इसी तरीके से एक और आयत करीम आप देखें, इंसान है, इंसान से गुनाह सरजद हो जाता है, लेकिन गुनाह के सरजद होने के बाद वो गुनाह पर मुसिर नहीं होता। कुरान कहता है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ। और वो लोग जिनसे बेहयाई हुई, जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया, फिर अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन है अल्लाह के अलावा जो गुनाहों को माफ फरमा दे? कौन है? माफी कौन नहीं मांगता? तवज्जो चाहूंगा, माफी कौन नहीं मांगता? जो अकड़ता है, जिसमें घमंड होता है, वो माफी नहीं मांगेगा। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती, वो माफी नहीं मांगता। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये मुकद्दस महीना माफी मांगने का महीना है, तौबा करने का महीना है। क्या मिला गुनाहों की वजह से? क्या जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में गुनाहों के वस के अंदर? कोई जवाब देने की ताकत नहीं रखता। अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा इकरा किताबक, अपना आमाल नामा पढ़। है किसी में ताकत पढ़ने की? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सैयदना गौसुस सकलैन रजी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु, जिनको अल्लाह ने मां के पेट ही से वली पैदा फरमाया, उस गौसे पाक रदी अल्लाह तआलानों की कैफियत क्या है? आखिरत का तसव्वुर जहन में आता है तो लरस जाते हैं और कहते हैं अल्लाह अब्दुल कादिर के गुनाहों को माफ फरमा, और अगर अब्दुल कादिर के गुनाह माफी के काबिल न हो तो कयामत में नाबीना उठाना, ताकि तेरे नेक बंदों को देखकर वो शर्मिंदा ना हो जाए। वो गौसे पाक जिनकी बारगाह में चोर आए तो गौसे पाक उसे कुतुब बना करके भेजें, वो अल्लाह की बारगाह में इतना रो रहे हैं। और हमारा हाल अल आयाज़ु बिल्लाह, अल आयाज़ु बिल्लाह। आज इतना मजमा है, मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग कुरान पढ़ना जानते हैं? कितने लोग वुजू के फराइज जानते हैं? नहीं। कितने लोग गुस्ल के फराइज जानते हैं? नहीं। सीखना ही दीन, सीखना ही नहीं, दीन से कोई दिलचस्पी है ही नहीं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, होश के नाखून, ये मुसीबतें जो हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं ना, ये हमारे हाथों की कमाई है, हमारे हाथों की कमाई है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बदन में सुस्ती,
रिस्क में तंगी और जिस्म में बीमारी, जब ये तीन चीजें पैदा हो जाती हैं तो मैं समझता हूं और मुझे फौरन एहसास हो जाता है कि मेरी जबान से अल्लाह का कोई नापसंद जुमला निकल गया है, जिसकी वजह से इस मुसीबत में मैं गिरफ्तार हो गया। अभी सैयद साहब आलिमुल गैब के बारे में और आलिम के मसले के बारे में बता रहे थे। आप जरा सोचो, अल्लाह के बरगुजीदा बंदों के दिलो दिमाग के अंदर आखिरत की फिक्र कितनी थी। एक बुजुर्ग बड़ी अच्छी तरीके से कपड़ा बुनते हैं और उनके दिमाग के अंदर ये चीज होती है कि मैंने बड़ी अच्छी तरीके से कपड़ा तैयार किया है, शहर के बड़े बिजनेसमैन को मैं जब ये कपड़ा दिखाऊंगा तो उससे अच्छी कीमत वसूल करूंगा। इस नीयत से बड़े एहतियात के साथ उन्होंने अच्छा कपड़ा तैयार किया। जब लेकर के बाजार, जब लेकर के उस बड़े कारोबारी के पास पहुंचे तो उस कारोबारी ने जब कपड़ा देखा, कहा ये रंग मैच नहीं खाता, ये धागा यहां नहीं होना चाहिए, न जाने कितने ऐब उसने निकालने शुरू किए। बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए, बुजुर्ग की आंख से आंसू निकलने शुरू हो गए। तो फिर जो है उस कारोबारी शख्स ने कहा बुजुर्ग से कि बाबा आप घबराएं नहीं, मैं आपका कपड़ा खरीद लूंगा, रो क्यों रहे हैं? अब जवाब सुनिए, वो बुजुर्ग फरमाते हैं मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तू मेरा कपड़ा खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, मैं तो सिर्फ इसलिए रो रहा हूं बड़ी मेहनत से मैंने कपड़ा तैयार किया था, कोई कसर मैंने नहीं छोड़ी थी, लेकिन जांचने वाला तेरे जैसा शख्स था तो न जाने कितने ऐब निकाला, इबादत भी मैंने बहुत की है, जांचने वाला खुदा है, अगर वो जांच ले और मेरी इबादत को मुंह पे मार देगा तो मेरा क्या होगा। तसव्वुर था यह आखिरत, कोई डर नहीं रहा हमारे दिल में, कोई खौफ नहीं रहा, बेखौफ हो चुके हम लोग, अल्लाह का डर दिल से निकल चुका है, इसलिए इज्जत भी गई, वकार भी गया, हर मुसीबत ने हमारे दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सच्चे दिल से तौबा करो। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, आज तक अगर गुनाह के दरवाजे पर दस्तक देते थे ना, तो आज के बाद से नेकियों के दरवाजे पर दस्तक दो। आज तक अगर बुराइयों के दरवाजे पर दस्तक देते थे तो आज से कुरान को पकड़ के उसकी तिलावत करना शुरू करो। खुदा की कसम मेरे रब का वादा हक है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, बेशक अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो कौम खुद अपने आप को न बदले। एक बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, और वो बात ये है, तवज्जो चाहूंगा, आप जानते होंगे कि आपके मोहल्ले में फला शख्स रहता है, नमाज नहीं पढ़ता, कभी कभी नमाज पढ़ लेता है, आप जानते हैं कि वो सिगरेट भी पीता है, आप जानते हैं कि वो बहुत सारे गुनाह करता है, गाने भी गुनगुनाता है, सारी चीजें करता है, आपको सब मालूम होगा, लेकिन अचानक किसी, हमारे इतने उलमा हैं इनमें से किसी आलिम ने उसको समझा दिया होगा कि भाई तुम्हारे पास बहुत दौलत है और तुम्हारे ऊपर साहिब इस्तेताअत होने की वजह से हज फर्ज हो चुका, तुम्हें जल्दी से हज कर लेना चाहिए, उसका भी मन बना चलो मैं हज कर लूं। जानते हो आपकी ये बेदमासी, जानते हो आप कि इसकी जिंदगी गुनाहों के अंदर लथपथ है, लेकिन उसने हज का फॉर्म भर दिया या किसी टूर के अंदर बुकिंग करवा ली और आकर के आपसे मिल करके कहता है हजरत इंशाल्लाह मैं कल हज के लिए जा रहा हूं। अब आप उसके गुनाह को नहीं देखते, उसके किरदार को नहीं देखते, आप आलिम हैं, पंच वक्ता नमाज के पाबंद हैं, फिर भी उससे कहते हैं भैया जरा वहां दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना, या अल्लाह माजरा क्या है, इसके सारे पोल मालूम होने के बाद ये उस तरफ जा रहा है, तो आलिम भी दुआ की गुजारिश कर रहा है तो जवाब मिलेगा। तुम अपना रुख खुदा की तरफ करके तो देखो, मौला तुम्हारा वकार और तुम्हारी इज्जत के अंदर इजाफा फरमा देगा। बदलो अपना रुख, बदलो मेरे भाइयों, बदलो।
हालात इससे बदतर भी आए हैं, लेकिन अल्लाह वालों ने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, अल्लाह की बारगाह नहीं छोड़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद मुबारका और साथ ही साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से रूगर्दानी नहीं की। आज हम गुनाह के अंदर डूबे हुए रहते हैं, बुराइयों में डूबे हुए रहते हैं और समझते हैं कि हमारे हालात बदल जाएं, नहीं बदल सकते। इल्म हासिल करो, इल्म दीन भी हासिल करो, इल्म दुनिया भी हासिल करो। और ये जुमला याद रखना, मुसीबत पहले नहीं है, मासियत पहले, और मासियत के बतन ही से मुसीबत जन्म लेती है। गुनाह करना छोड़ दो, बुराइयां करना छोड़ दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालहु करम की नजर फरमाएगा और इनाम व इकराम की बारिशें नाजिल फरमाएगा। मैं दिल की अता गहराइयों से मुंतजमीन इजलास हमारे माशाल्लाह बुजुर्ग जो यहां पर खानकाह भी चलाते हैं, इदारा भी चलाते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इस इदारे से फारिग होने वाले जुमला तलबा पर करम की नजर फरमाए, उनके असातिदा पर करम की नजर फरमाए और साथ ही साथ हम सबको अल्लाह अज़्ज़ वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत लहवो लईब और गफलत के अंदर हमने अपनी जिंदगी गुजार ली, अब जिंदगी को चेंज करो। आप जरा देखो जितना मजा इबादत के अंदर है ना, उतना मजा किसी में नहीं है। आज मैं आ रहा था एयरपोर्ट से दिल्ली से, यहाँ पर एक टेंशन की खबर मिली, थोड़ा सा दिमाग घूमने लगा, मैंने फौरन कुरान शरीफ निकाला, मोबाइल खोला, उसमें कुरान शरीफ था, मैंने पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद मुझे रिलैक्स मिल गया, इसलिए कि याद रखें मेरा चैलेंज है आपको, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता आपको अगर कोई तकलीफ आ जाए ना, आप फौरन वजू करो, अल्लाह की किताब खोल करके पढ़ना शुरू करो। यार दुनिया का कोई इंसान तसल्ली के जुमले कह दे तो तुम्हारे दिल का बोझ उतर जाता है, मेरे मालिक के जुमले से बढ़कर के किसके जुमले हो सकते हैं, उसके कलाम से बढ़कर के किसका कलाम हो सकता है। आज मुसीबत में आकर तुम सिगरेट पीते हो, नशा करते हो, अल्लाह की किताब पढ़ो, तुम्हारी मुसीबतें अल्लाह दूर फरमा देगा। बदलो अपने आप को, अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए और हमें